अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो यार एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है आपकी बहन, आप लोगों के लिए सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर पर चीज़ें लेके आई हैं। ठीक है जी, सबसे पहले बात करती चलो, जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है जी, उसके बाद जनाब कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करके बताया करें कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स साथ में ही आप लोगों ने जो है, अगर आप लोगों को कोई चीज़ चाहिए कमेंट सेक्शन से, तो आप मतलब आप लोगों को फर्नीचर में कोई चीज़ चाहिए, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक में कोई चीज़ चाहिए, तो आपने मुझे लाजमी कमेंट करना है। ठीक है जी, सिटी का नाम लाजमी मैंशन करना है। आज की इस वीडियो में क्या क्या आइटम है मेरे पास, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है जी, हाँ जी। तो नंबर वन पे मेरे पास बेडरूम सेट है, जिसमें बेड है, साइड टेबल है और ड्रेसिंग टेबल है। ठीक है जी, और एक मेरे पास पूरा कबर्ड है। ठीक है जी, उसके बाद मेरे पास एक ड्रेसिंग टेबल है, उसके बाद जनाब मेरे पास है सोफ़ा सेट। ठीक है, और एक अदर मेरे पास जो है ऑफिस चेयर। ठीक है, ये आज की वीडियो में आइटम्स हैं। ठीक है, मैं इनकी डिटेल्स बताऊंगी आपको, दिखाऊंगी भी, सब्र रखें। ठीक है जी, और जाते हुए मतलब वीडियो को आगे लेके जाते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट फिर करती चलूंगी कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। चलाएं अब जो है ना डिटेल में बात करते हैं। साइड टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है जी, और कबर्ड भी है, सॉरी कबर्ड तो मैं भूल गई, कबर्ड भी इसमें शामिल है। ये जनाब न्यू कराची सेक्टर 1 में मौजूद है। न्यू कराची सेक्टर 1 वाले इसको परचेज़ कर सकते हैं। कंडीशन वाइज 10x10 है, और नंबर इनका मैंने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया है। डिमांड जो इन तीनों चीज़ों की उन्होंने 60,000, ठीक है 60,000 मांगा हुआ है, जो कि बिल्कुल ही मुनासिब प्राइस रेंज है। नंबर टू पे मेरे पास फ्रेंड ये कबर्ड है। ठीक है जी, ये मेरा ख्याल है जो ना क्या उसको कहते हैं, हाँ टीवी स्टैंड भी इसको कहा जाता है, और बर्तनों वाली अलमारी भी इसे कहा जा सकता है। ये जनाब मुल्तान में मौजूद है, मुल्तान वाले इसको परचेज़ कर सकते हैं। डिमांड इसकी जो की हुई है 15,000 इसका मांगा हुआ है। नंबर इनका कमेंट सेक्शन में मेंशन है, कमेंट सेक्शन से नंबर लेके आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल है, जिसको स्टैंड मिरर भी कहा जा सकता है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है, और उसके अंदर मज़े की बात यह कि स्पेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, ये जनाब इस्लामाबाद DHA में मौजूद है, इस्लामाबाद DHA वाले इसको परचेज़ कर सकते हैं। डिमांड इन्होंने इसकी की हुई है 5,500। ठीक है, 5,500 इसका मांगा हुआ है। नंबर मैंने इनका कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया है, कमेंट सेक्शन से नंबर लेके आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक एक पार्ट की उन्होंने पिक्चर दी हुई है, ताकि आपको आइडिया हो जाएगी कितना नीट एंड क्लीन है। ठीक है जी, अच्छा जनाब अब है मेरे पास सोफ़ा सेट, और ये सोफ़ा सेट है 6-सीटर। ठीक है जी, ये लाहौर में मौजूद है, लाहौर वाले इसको परचेज़ कर सकते हैं। पोशिश और जो है वुड में है। ठीक है जी, वुड इसके जो वो है ना फुट्स हैं वो वुड में है, ओवरऑल पोशिश में है, मेहरून कलर की पोशिश है, कारपेट भी है, कर्टन्स भी हैं। ठीक है जी, 25,000 इसकी डिमांड है, लाहौर में मौजूद है, लाहौर वाले इसको परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन मेरे पास एक जो है वो सोफ़ा सेट मौजूद है। ठीक है जी, ये सोफ़ा 5-सीटर सोफ़ा है, और जो है इसको क्या कह सकते हैं, ये 5-सीटर सोफ़ा है, और ये सोफ़ा भी साइज़ में थोड़ा सा ना बड़ा है। ठीक है जी, ये भी जनाब लाहौर में मौजूद है, लाहौर वाले इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, 24,000 इसकी डिमांड है। नंबर मैंने इनका कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया है, कमेंट सेक्शन से नंबर लेके आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन मेरे पास फ्रेंड सोफ़ा सेट है। ये सोफ़ा सेट जो है 5-सीटर है। ठीक है जी, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है, 10x10 है। ठीक है जी, तो जनाब ये कराची में मौजूद है, कराची वाले इसको परचेज़ कर सकते हैं, और बिल्कुल मुनासिब प्राइस रेंज है, सिर्फ और सिर्फ 24,000 इसका भी मांगा हुआ। ठीक है, नंबर मैंने इनका कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया है, कमेंट सेक्शन से नंबर लेके आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद आया है, अगर मैं कराची होती तो मैं अपने घर के लिए ये सोफ़ा सेट परचेज़ कर लेती। अगर आप देखा जाएँ और इस तरह का बनवाएं ना, ये सीटों वाला नहीं है, ये पोशिश इसके अंदर फिक्स हुई हुई है, वुड में है। ठीक है जी,
नेक्स्ट जनाब मेरे पास है ऑफिस चेयर कराची से। ये ऑफिस चेयर कराची में है, कंडीशन वाइज तो मुझे देखने में 10x9 लग रही है। ठीक है, डिमांड इसकी जो उन्होंने की हुई है वो 3000 इसका मांगा हुआ है। नंबर इनका कमेंट सेक्शन में मैंने मेंशन कर दिया है, कमेंट सेक्शन से नंबर लेके आप इनसे रابطہ कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो में आइटम्स, आपने देखी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होंगी। नंबर इनके मैंने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया है। ठीक है जी, और हाँ आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ कि यार आप लोगों ने ना प्राइस रेंज के बारे में बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, क्योंकि जो प्राइस रेंज है ना वो उन्होंने खाली डिमांड किया हुआ है, वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो आप लोगों का जितना भी बजट हो आप उस लिहाज से कमेंट सेक्शन से नंबर उठाएं, बात करें, और बात जाहिर सी बात है बहस करने से ही चीज़ हलाल होती है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह, फ़िर मिलते हैं।